डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर 260 तक और इस पार्ट में भी काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं पिछले जो क्वेश्चन आया है पहले उसका रेफरेंस दे दूंगी और उन क्वेश्चन को फिर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है टू इसमें पूछा है कि फ्रेश सीवेज की पीएच कितनी होती है तो फ्रेश सीवेज जो है तो एल्कलाइन होता है नेचर में पीएच है वो मोर देन सेवन होती है और जैसे जैसे उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो एसिड्स फॉर्म होते हैं और पीएच है वो डिक्रीज होने लग जाती है इसका आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फिश के सर्वाइवल के लिए मिनिमम डिजोल ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए तो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है क्वेश्चन ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होती है फोर पीपीएम क्वेश्चन टू फोर्टी थ्री में पूछा है कि फाइव डेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो तो किस टेम्परेचर पे हम कंसिडर करते हैं तो ये टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और बीओडी के काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो कि आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे तो इस बुक के साथ साथ आपको और भी न्यूमेरिकल्स के लिए कोई दू दूसरी डिफरेंट बुक करने की जरूरत है ये बुक सफिशेंट नहीं है इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी फोर क्वेश्चन टू फोर्टी फोर में पूछा है कि जेलडेल नाइट्रोजन है किसका मिक्सचर है तो नाइट्रोजन जब एग्जिस्ट करती है सीवीज में तो या तो नाइट्राइट के फॉर्म में या नाइट्रेट्स के फॉर्म में या फिर अमोनिया के फॉर्म में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन चार फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इसमें जो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उनको बोला जाता है जेल्डल नाइट्रोजन और यहाँ पे ये बुक में भी दिया हुआ है कि अमोनिया के जो फॉर्म में जो नाइट्रोजन है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इनको कंबाइंडली बोला जाता है जेल्डल नाइट्रोजन तो यही क्वेश्चन में पूछा है बट यहां पर ऑप्शंस जो दिए उसमें ए में दिया अमोनिया एंड नाइट्रोजन तो एंड अगर यहां पर नहीं होता अमोनिया नाइट्रोजन होता मतलब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं बी में दिया नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन तो इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता तो यह सही हो सकता था सी में दिया ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया ये भी पूरी तरीके से तो सही नहीं है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन लिखना चाहिए था बट फिर भी तीनों ऑप्शंस में देखें तो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन सी होगा आंसर में इसका आंसर दिया है वो ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द जो कि नहीं होगा और रेफरेंस के लिए आप ये यूज कर सकते हो तो अभी जो मैंने शो किया है पेज नंबर 157 पर क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज का चैप्टर है सीवेज ट्रीटमेंट की की एसके जो बुक है उसमें और उसमें यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि इन दो फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको बोलते हैं जेल्डल नाइट्रोजन और एक जगह और भी मैंशन किया है इसने यहाँ पर यह लिखा है इसने की सम टोटल ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन एज वेल एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो सम है अमोनिया नाइट्रोजन का और का, उसको बोला जाता है टू सेम बुक में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है ए में दिया है कि ट्रीटेड सीवेज है उसकी जो रिजोर्ड ऑक्सीजन है वो 4 पीपीएम जरूरी है इतनी तो होनी ही चाहिए कम से कम तो फोर पीपीएम से कम अगर डिजोल ऑक्सीजन है तो उस केस में फिर फिश वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाते तो ये क्राइटेरिया है कि फोर पीपीएम से कम डिजोल ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए बी में दिया है कि फ्रेश सीवेज है उसमें ही कुछ डिजोल ऑक्सीजन होती है क्योंकि जैसे जैसे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाती है तो फिर ऑक्सीजन है वो डिप्लीट हो जाती है ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल रहती है काफी बार सी में दिया है कि ऑक्सीजन की जो सोलबिलिटी है वो सीवेज में नाइन्टी फाइव परसेंट है डिस्टिल्ड वाटर की तो इम्प्य होती है सीवेज में इसके कारण डिस्टिल वाटर में जितनी सोलबिलिटी है जितनी है ऑक्सीजन की उसकी 95 परसेंट ही रहती है सीवेज में तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन 246 में पूछा है कि सीओडी का टेस्ट करते हैं जब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट करते हैं सीवेज की तो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है के टू से तो ये किसकी प्रेजेंस में किया जाता है तो ये एस टू तो फोर की प्रेजेंस में किया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया है पहले था ये क्वेश्चन नंबर टू वन नाइन पर और ये एस टू तो एस ओ फोर इसमें इसलिए रखा जाता है ताकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रेकडाउन हो जाए सिंपल कंपाउंड में नेक्स्ट है क्वेश्चन टू फोर्टी सेवन क्वेश्चन 247 में पूछा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जो फर्स्ट 20 डेज की उसको क्या कहते हैं तो तो इसको इनिशियल डिमांड 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 फर्स्ट स्टेज और भी बोला जाता है तो आंसर यहां पर ऑप्शन डी होगा जब सीवेज को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो स्टार्टिंग टू तो के सिक्स टू सेवन डेज में ऑक्सीजन डिमांड काफी हाई रहती है काफी रेपिडली ऑक्सीजन कंज्यूम होती है उसके बाद जो ऑक्सीजन कंज्यूम होने की रेट है वो कम हो जाती है और फर्स्ट ट्वेंटी डेज में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिकम्पोन्ज होते हैं तो ट्वेंटी डेज में ये रहती है डिमांड जो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से रहती है उसके बाद में जो डिमांड रहती है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की वजह से रहती है तो फर्स्ट स्टेज की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कार्बोनियसियस डिमांड बोला जाता है और जो सेकेंड स्टेज की ऑक्सीजन डिमांड है उसको बोला जाता है नाइट्रोजीनियस ऑक्सीजन डिमांड तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन 248 यहां पर दिया है कि 3 एम एल सीवेज था उसको डायलिट करके 300 हंड्रेड सैंपल बनाया गया जो मिक्सर है वो 300 हंड्रेड एम एल है इसमें थ्री एम एल बाकी वाटर है डीओ कंसेंट्रेशन डायल्यूट हुआ है एट मिलीग्राम पर लीटर से बिगनिंग में था और बाद में था फाइव मिलीग्राम पर लीटर तो इसका फॉर्मूला होता है डीओ कितना कंज्यूम हुआ मल्टीप्लाई वाई टोटल सीवेज कितना है और टोटल सैंपल कितना है सॉरी और उसमें सीवेज सीवेज की कितनी है कितना ऐड किया है तो डीवो कितना कंज्यूम हुआ पहले एट मिलीग्राम पर लीटर था फिर मिलीग्राम पर लीटर हो गया तो मिलीग्राम पर लीटर की रेट से डिजोल ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है टोटल सैंपल है थ्री हंड्रेड और थ्री एम एल ऑफ रोज सीवेज है तो थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये हंड्रेड आ जाएगा और थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन टू फोर्टी नाइन क्वेश्चन टू फोर्टी नाइन में पूछा है, कि 2 कोई है. मतलब टू परसेंट हंड्रेड अगर हंड्रेड एम टोटल सैंपल है तो टू एम वाटर उसमें इनक्यूबेटेड किया गया फाइव डेज तक ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डिजोल ऑक्सीजन डिप्लेशन हुआ एट मिलीग्राम पर लीटर का एट मिलीग्राम पर लीटर डिजोल ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ एट मिलीग्राम पर लीटर इन टू टोटल सीवेज कितना है हंड्रेड डिवाइडेड बाई टोटल फोर हंड्रेड एम एल मिलीग्राम पर लीटर तो, 2, तो आंसर ऑप्शन डी तो हो जाएगा मैंने पिछले क्वेश्चंस में एक ट्रिक बताई थी बीओडी के क्वेश्चन सोल्व करने के उससे भी आप कर सकते हो एट मिलीग्राम पर लीटर कंज्यूम हुआ है अगर दो एम एल सीवेज है तो

सी का जो पा, आ, पानी है समुद्र का उसमें काफी ज्यादा डिजोल्ड पार्टिकल्स होते हैं और वो डिजोल्ड पार्टिकल्स सीवेज के साथ रिएक्ट करके वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं और उसके कारण जो मिल्की सी अपीरेंस होता हो जाती है सी वाटर में अगर सीवेज डिस्पोज कर दिया जाए तो जो रनिंग वाटर होता है स्ट्रीम वगैरह का वो प्योर वाटर होता है उसका ऑक्सीजन लेवल हाई होता है सी वाटर होता है उसमें रिवर और स्ट्रीम का जो वाटर है डिजोल्ड ऑक्सीजन है उससे ट्वेंटी परसेंट कम होता है उसमें अगर 100 ppm डिजोल्ड ऑक्सीजन है फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर की तो सी वाटर की 20 परसेंट कम 80 ppm ही होती है क्योंकि उसमें डिजोल्ड जो पार्टिकल्स हैं जो salt है उसके कारण उसकी ऑक्सीजन करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है पहले भी एक क्वेश्चन आया ऐसा कि कितने परसेंट कम होती है और इनके कारण एक तो मिल्की से उसके अलावा स्लेज है वो बैंक्स पे डिपॉजिट होने लग जाता है तो इसको स्लेज बैंक्स कहते हैं तो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है एनारोबिक बैक्टीरिया को को रहता है कि ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फ्लोरिश करते हैं तो ग्रोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का थ्री होगा और एक ही ऑप्शन ऐसा है यहां पर जिसका A का थ्री है पैरासाइट का किसी को अगर पता है तो पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज पे ग्रो करते हैं तो बी का वन है सी का फोर है सेप्रोफाइट जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पर सर्वाइव करते हैं उस पे ग्रो करते हैं और डी है पैथोजें जो डिजीज को कॉज करते हैं तो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि अगर anaerobic या पैरासाइट का आपको पता है तो आप उससे भी कर सकते हो तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन टू फिफ्टी टू क्वेश्चन 252 में पूछा है कि रिकमेंडेड डिटेंशन पीरियड ग्रिड चेंबर के लिए कितना होगा तो ये 40 टू 60 होता है तो फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा मिनट नेक्स्ट है क्वेश्चन 253 253 में भी दो लिस्ट दी गई है और मैच करना है लिस्ट टू में डिटेंशन पीरियड दिया है लिस्ट वन में ट्रीटमेंट दिया है ट्रीटमेंट प्लांट का जो कंपोनेंट है वो दिया है तो ग्रिड चेंबर का डिटेंशन पीरियड होता है वो सबसे कम होता है वन मिनट के आसपास तो ए का होगा टू और ऑप्शन में आप देखो तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें का टू दिया हुआ है तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सीवे सेडिमेंटेशन टैंक का होगा वन वन टू टू आर सी का होगा फोर टू टू सिक्स विक्स डी का होगा थ्री ट्वेंटी फोर आर डी का वैसे ट्वेल्व टू थर्टी सिक्स आर पढ़ा था हमने सेप्टिक टैंक में तो ये इस रेंज में आ रहा है ट्वेंटी फोर आर तो फिर ये सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन टू फिफ्टी फोर 254 में पूछा है कि सेप्टिक टैंक में जो स्लज होता है वो किस रेट से होता है पर कितना होता है? तो ईयर पर पर होता है काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है नेक्स्ट है क्वेश्चन 255 क्वेश्चन 255 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट डी है वो रोंग है इसमें दिया है कि डेप्थ है वो वृथ के इक्वल ही रखी जाती है तो है वो मिनिमम नाइनटी सेंटीमीटर होती है जबकि सेप्टिक टैंक की जो डेफ होती है वो 1.2 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक होती है पहले हम कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं ऐसा है हमने कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए सेप्टिक टैंक की उसके बाद जो विथ है वो 90 से कम नहीं होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर से और जो कैपेसिटी है वो उसके इक्वल होगी जो कि कैलकुलेट किया है हमने कितना चाहिए कैपेसिटी और लेंथ जो है वो टू टू थ्री टाइम्स ऑफ विड्थ रखी जाती है तो थिकनेस तो इसमें से कुछ अज्यूम कर लेते हैं और लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करके कैपेसिटी जो आई है उसकी हेल्प से लेंथ और विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं तो डेप्थ तो और विड्थ इक्वल नहीं रखी जाती है स्टेटमेंट इसने डी गलत दिया है सी स्टेटमेंट करेक्ट है बी में दिया है कि आउटलेट इन्वर्ट लेवल है वो फाइव टू सेवन फाइव सेंटीमीटर बिलो होता है इनलेट इन्वर्ट लेवल का ये भी ठीक है ए में दिया है कि बॉटम ऑफ कवरिंग स्लैब और टॉप लेवल ऑफ स्टम है उसमें 7.5 सेंटीमीटर का गैप रखा जाता है तो ये स्टेटमेंट भी पहले क्वेश्चन में आया है तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन 256 क्वेश्चन 256 भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस और ये सेम क्वेश्चन पहले आया है क्वेश्चन नंबर वन जो है वो भी यही है नेक्स्ट है क्वेश्चन टू इसमें पूछा है कि डिटरेटस टैंक है उसकी फ्लो वेलोसिटी कितनी रखी जाती है तो डिटेर टैंक को भी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 154 में और इसकी फ्लो वेलोसिटी होती है मीटर पर तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन 258 258 में पूछा गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का अनएरोबिक डीकम्पोजिशन होता है तो इमहोव टैंक और सेप्टिक टैंक है ये अन एरोम्पोजिशन की यूनिट है तो आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पर आंसर की जो आंसर दिया वो ऑप्शन बी दिया है बट ट्रिकलिंग फिल्टर है इसमें एरोबिक एरोम्पोजिशन होता है अनएरबिक नहीं होता है और रेफरेंस के लिए आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा एस के घर में जो पेज नंबर वगैरह है वो मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगी क्वेश्चन 259 में पूछा गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट में सेप्टिक टैंक में जो डिकम्पोजिशन होता है वो कौन सा है तो ये अन एरोम्पोजिशन होता है तो आंसर होगा ऑप्शन ए क्वेश्चन 260 में पूछा है कि कंपोस्टिंग में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए ताकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो तो कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें रिफ्यूज को पाइलअप किया जाता है और टाइम टू टाइम उसकी मैकेनिकली या मैनुअली टर्निंग की जाती है ताकि उसमें सफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन बना रहे और उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए अगर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट है तो जो एक्टिविटीज है एरोबिक एक्टिविटीज वो अफेक्ट होंगी और अगर मॉइस्चर कंटेंट का डेफिशिएट है तो उस केस में जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें है तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट है उसका कम्पोस्ट का मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको 55 परसेंट पे मेंटेन किया जाता है ताकि एरोबिक की कंडीशन बनी रहे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55 परसेंट यह था आज का लास्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट